दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 60,000 से ज्यादा पदों पर आप लोगों के लिए चांसेस है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चांस है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो उन लोगों के सिलेक्शन तो होंगे ही जो लोग पहले से लगातार पढ़ रहे हैं, उन लोगों के तो सिलेक्शन होंगे ही। मेन चीज है जिन लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट करनी है वो कैसे सिलेक्शन लें। तो गाइज ये वीडियो आज आप लोगों के लिए ही होने वाली है, मैं इन डेप्थ वीडियो भी बनाऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह बताऊंगा कि किस तरह से, देखिए ये आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ये मेरे सिलेक्शन की डिटेल है। एक बार नहीं मैं दो दो बार सिलेक्टेड हूं, बाकी जो इन डेप्थ चीजें हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल यहां पर देख लो, देखो लिखा हुआ है डियर बच्चन यू आर क्वालिफाइड इन ऑफलाइन एग्जाम ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स से, 234 मार्क्स मेरे एक बार थे और एक बार 238 के करीब मार्क्स थे। आप यहां पे देख सकते हैं फिट कैंडिडेट है, पैट का कॉल लेटर, ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहां पे देख सकते हैं, रोल नंबर तक दिख रहा होगा यहां पे, ये मेरा डिटेल है। और मैं आप लोगों को बता दूं उस समय पे जब 2018 में ये जब इसका पेपर हुआ था, उस समय पे जब इसका फिजिकल हो रहा था उसी समय पे एएलपी के एग्जाम का चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं मैंने हिंदी भी पढ़ी नहीं थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इसमें सिलेक्शन लिया है। तो वो किस तरीके से लिया है वो मैं बता दूं। देखिए गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स रीजनिंग जीके ये अलग नहीं है, लगभग लगभग सेम ही होती है। मैथ्स रीजनिंग एएलपी में भी थी, यहां भी थी। तो ठीक इसी तरीके से आप लोग अगर मैथ्स रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को उसमें कोई इशू नहीं होगा। मेन चीज है आपको हिंदी कहां से पढ़नी है, और इसकी जो रीजनिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट आती है लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा मजा आता है उसमें। अगर आपके अंदर थोड़ी भी सोचने की क्षमता है तो आपके लिए रीजनिंग इससे हल्की नहीं हो सकती। दूसरी चीज, इसके रीजनिंग के सवाल बड़े बड़े दिखेंगे लेकिन उन्हें देख के डरना नहीं है। मैं आप लोगों को अगले जो इसके बाद जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आएगी कंप्लीट, उसके इसमें तो मैं आपको बुक्स वगैरह बताता हूं, लेकिन जो इससे अगली वीडियो आएगी उस वीडियो को आप लोग देखना। मैं गारंटेड आप लोगों को बता रहा हूं कि आप कितनी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको करना क्या है। अपने दिमाग में यह चीज ठान लो कि कम से कम आपके 110 या 120 क्वेश्चंस आपको टारगेट रखो। उतना सिलेक्शन तो आप लोगों को पता है कि डेढ़ गुना बच्चे लिए जाएंगे, दो गुना बच्चे लिए जाएंगे, उस हिसाब से वो अपने हिसाब से बुला लेता है, उस हिसाब से काफी अच्छे खासे कैंडिडेट्स आ जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि देखो 41,000 वाली में बहुत लड़के गए, 49,000 वाली में गए, फिर दरोगा में गए, अब 60,000 फिर से है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप लोगों को यह चीज ध्यान रखनी होगी कि बहुत सारे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट जो ट्रैकमैन वगैरह पर सेलेक्ट हुए थे वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर उनके पास हाइट है और उनकी एज भी है तो वो निश्चित तौर से आपके साथ भी फॉर्म भरने वाले हैं। जीडी वाले बच्चे भी इस फॉर्म को फिल करते हैं, तो वो बाकी सारी चीजें तो उनकी तैयारी है। मेन चीज मैं यहां पे जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो ये है, आपको इस पे ध्यान किस चीज पे देना है। तो एक तो आपको देना है ध्यान रीजनिंग पे। रीजनिंग जो इसकी आप लोगों ने, मेरे पास पेपर भी है, मैं पेपर लाया था अभी, ये रखे देखो इतने सारे, ये देखो पेपर भी पड़े हैं यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा बाद में इन डेप्थ। मैंने जो सारे पेपर देखे हैं उन पेपर्स के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस पेपर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को, पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान है वो ये कि सबसे पहले ईजी पोर्शंस को हल करो, जैसे कि सबसे पहले हिंदी निपटाओ, उसके बाद आप अपनी जीके की तरफ जाओ और टाइम मत लगाओ, पहली बार में जो हो रहा है बस उसे करते चले जाओ धड़ाक से। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को जीके या हिंदी, इन दोनों में से किसी एक को रखो, फिर दूसरे नंबर पे भी इन दोनों में से ही कोई एक चूज करोगे। जैसे मान लीजिए आपने पहले नंबर पे हिंदी चूज कर ली, फिर उसके बाद आपने जीके कर ली, ये ऐसी चीजें हैं जो आ रहा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद आप रीजनिंग की तरफ बढ़ो। रीजनिंग में बड़े क्वेश्चंस पहले मत करो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं रीजनिंग के जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो भी इतने बड़े नहीं है, बहुत ईजी होते हैं। यहां से ऊपर से क्वेश्चन बताता चला आएगा दुनिया भर की चीज, और लास्ट में आप देखेंगे कि जो चीज पूछी है वो इसी की एक लाइन में है, वो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा के सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल मेरा जो मानना है इस पेपर में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है पूरे पेपर को देखना। ऑफलाइन पेपर होगा, पूरा पेपर देखना 100% कंपलसरी है। अगर आपने ये पूरा पेपर देख लिया तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, आप पूरा का पूरा पेपर देखिए। कुछ बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में मान लो उन्हें मैथ्स दिख गया, वो मैथ्स में निपटे रह गए, कुछ रीजनिंग में निपटे रह गए। अगर ऐसे रहोगे तब सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को पूरा पेपर में कम से कम दो राउंड मारना कंपलसरी है। अगर आप दो राउंड नहीं मार रहे हैं तो निश्चित तौर से आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस छोड़ के आ जाओगे जिसमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते थे। तो सबसे पहला टारगेट ये रखना है। और करना क्या है, कुछ बच्चे क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, वो ओएमआर सीटी फिल नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऐसे बेवकूफ हैं या गलत ओएमआर सीट
फिल कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान रखनी है, ओएमआर पे जो बाकी चीजें हैं डिटेल वगैरह, वो तो आप बहुत अच्छे से फिल कर ही लेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका पहले, जैसे मान लीजिए आपने जीके और हिंदी मान लेते हैं 40 मिनट के अंदर निपटा ली, या मान लेते हैं कि आपने आधे घंटे के अंदर निपटा ली, अब जो 10 मिनट बचे हैं उन 10 मिनट में जो जो क्वेश्चंस आपके सही वाले हैं उन्हें सबको भर दो अच्छे से, फिर आप दूसरे सेक्शन पर कूदो और फिर उस चीज को सॉल्व करना शुरू करो, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ्स हो। लेकिन मेरे हिसाब से रीजनिंग होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, देखते ही हो जाते हैं। इस तरीके से सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो आपके देखते ही हो जा रहे हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस की तरफ जाना है जिन्हें आप में टाइम लग रहा था। तो पहला राउंड पूरी तरीके से ऐसे निकलता हुआ जाएगा, जो पहली बार में क्वेश्चंस होंगे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आपको पहली बार में अटेम्प्ट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, तो आप बहुत आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। नकल वकल के चक्कर में पड़े रहते हैं बच्चे कि इधर से कोई बता दे, ये सब काम बाद में, पहले जो आपको आता है पहले वो वाला काम कर लो, उसके बाद जो करना है वो करते रहना। पहली बात तो कोई झांकने नहीं देता आपको, इसलिए दूसरों के भरोसे न रह के पहले आपसे जो आता है वो काम करिए। मैंने इस पेपर को सिर्फ लास्ट टाइम पे एक दिन बस में जाते हुए हिंदी पढ़ी है, उसके बावजूद भी हिंदी में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन हिंदी में। अब मैं बुक्स बताता हूं आप लोगों को करना क्या है। देखिए जिस तरीके से आपने पैटर्न देखा होगा, सामान्य ज्ञान 38 नंबर, 38 क्वेश्चंस, संख्यात्मक 38 क्वेश्चंस, मानसिक अभिरुचि बुद्धि मतलब रीजनिंग जो है 37 क्वेश्चंस, सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चंस। अब इसमें सबसे ज्यादा आसान है हिंदी। हिंदी के लिए आप ज्यादा इधर उधर भटकिए मत, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट उठाइए, लूसेंट के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स, वो वाला नहीं जो आप लोगों की किताबें हैं, बहुत सारी किताबें याद करने की जरूरत नहीं है। एक में दो पेज मेरे पास पड़े होंगे, मैं लूसेंट की बुक निकालूंगा अभी तो दिखाऊंगा, उन दो पेजेस को आप लोग कर लीजिएगा। हो सकता है मैं आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, या टेलीग्राम ग्रुप बना दूं उसमें जुड़ जाइएगा, आपसे रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो सारी की सारी उसके अंदर डाल देंगे। नीचे लिंक डाल दूंगा मैं उसका जैसे ही वो ग्रुप बनाऊंगा, तो निश्चित तौर से अगर आप जुड़ते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जितनी भी गाइडेंस सेशंस होंगे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मुझसे होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। दूसरी चीज, हिंदी के लिए आपको किसी कोर्स में भटकने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट के लिए कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ होगा। सबसे पहले बताते हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे आपके करंट जीके के, और 4 से 6 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे यूपी जीके के। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गौतम बुद्ध से क्वेश्चन आ गया, महावीर से आ गया, वो मैं बताऊंगा जब मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों से कहूंगा एक स्पीडी की, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में किताबें आती हैं, ये एक ऐसी किताब ले आओ लेटेस्ट वाली, अभी वाली जो चल रही है, या 1 जनवरी को ले लेना, अभी मत लो, 1 जनवरी को ले लेना, 4 जनवरी को इसका नया लेटेस्ट एडिशन आ जाएगा पूरे साल का, उसको ले लेना। ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जो लेटेस्ट नियुक्तियां हैं, ये बजट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें आप कवर करोगे वो सारी की सारी चीजें आपको पेपर में दिख जाएंगी। सामान्य ज्ञान के लिए आपको ज्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी दुनिया भर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक जीके पढ़ लीजिएगा, उसके लिए आप अंकित सर की जो बुक है स्टैटिक जीके वाली, उस बुक को प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, उसमें से आप लोगों के बहुत सारी चीजें फंसी जाएंगी। स्टैटिक जीके वहां से हो गई, इसके अलावा करंट आपकी यहां से हो गई, और ज्यादा हिस्ट्री विस्ट्री के चक्कर में नहीं पढ़ना, बस स्टैटिक करंट, और इसके अलावा अगर यूपी की जीके पढ़नी है तो एक छोटा सा टारगेट आता है, टारगेट की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, बस ये वाली चीजें आपकी हो गई। मेंटल अभिरुचि के लिए मैं जो प्रेफर करता हूं, अगर आपके पास आरएस अग्रवाल का कोई भी वर्जन है, कोई भी वर्जन, आप उसके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन, इसके जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है ना उसको कर लेना आप लोग, आपका काम हो जाएगा। आप सिर्फ थ्योरी को समझ से कर लीजिएगा, इसके पीछे की जो एक्सरसाइज है उसे ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी एक्सरसाइज ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो थ्योरी है उसे बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी रीजनिंग के लिए, तो देखिए रीजनिंग के लिए अगर आपके पास नोट्स हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपके अंदर सिर्फ थोड़ी सी सोचने की क्षमता है ना, तो इसके जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना 37 में से 20 क्वेश्चंस आपके जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, जो चैप्टर्स होते हैं उस तरीके से आते हैं, और 17 क्वेश्चंस आपके सिर्फ सोचने पे आएंगे, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई चैप्टर के बेसिक्स नहीं, बस आपकी समझ, अगर आपके अंदर समझ है, जैसे वो कह रहा है नीले को काला कहा जाता है, काले को ये कहा जाता है, तो बताओ अंतरिक्ष का रंग कैसा होगा, मतलब सिर्फ
सोचने से रिलेटेड इतना लंबा क्वेश्चन दे देगा, कार का रंग नीला है, नीले का पीला है, ये दुनिया भर के, और लास्ट में आके आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, खुद भी बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि रीजनिंग की इतनी ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। एक बार बस मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहला काम आप यूथ की बुक लेके या किसी की भी बुक लेके जिसमें प्रीवियस ईयर हो, आप 2018 के और 19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दिमाग खुल जाएगा। और उसके बाद आप अपनी लूसेंट से हिंदी पढ़ना स्टार्ट करिए, जो लूसेंट की बुक है उसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं वर्णमाला है, और इसके अलावा आप लोग देखेंगे एक चैप्टर है संज्ञा से अव्यय तक, वो इतना इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संधियों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्टार्टिंग है ना, आप पीछे के चैप्टर को छोड़ दीजिए, वहां से दो तीन क्वेश्चंस आएंगे, हो जाएंगे, वो मैं बता दूंगा किस तरीके से करने हैं आपको। कुछ ही बुक्स है इंपॉर्टेंट वाली, वो एक पेयर के अंदर आप लोगों को याद कर लेनी है, हो गया। मैं एक से दो वीडियो आपको सजेस्ट करूंगा, उन वीडियो को देख लोगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो वर्णमाला है, ये ग्रामर वाला जो पोर्शन है, इसको कवर करना होगा। एक दिन में भी एक चैप्टर निपटा सकते हो अगर आपके पास लूसेंट है तो। अगर आपकी लूसेंट मार्किंग नहीं है, नोट्स नहीं है, वो मैं अपने प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप शिद्दत के साथ तैयारी करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे जो वीडियो मिलेगी बहुत इनडेप्थ मिलेगी, उसके अंदर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की जाएगी, सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। फिलहाल अभी मैं जल्दी में हूं, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है कि कुछ तो आप लोगों को मिल जाए। तो बुक्स मैंने बता दी, सामान्य ज्ञान के लिए आप स्पीडी की बुक ले लीजिए, और स्टैटिक जीके के लिए अंकित सर की बुक ले लीजिए, अंकित सर की। संख्यात्मक मैथ्स के लिए आप अपना आरएस अग्रवाल चूज कर सकते हैं। मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग के लिए अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप किसी की भी बुक से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है सामान्य हिंदी, इसके लिए आपको लूसेंट की बुक पढ़नी है। आप कुछ लड़के चार चार बुक हिंदी की पढ़ रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, एक ही बुक पढ़ लो, शिद्दत के साथ पढ़ लो, सब कुछ उसी में फंस जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।